मैं एक इशारा चाहती हूं। कौन है मेरा कातिल, कौन है मेरा दिलदार? ना ही मैं किसी का कातिल बन सकता हूं, ना ही किसी का दिलदार। मुझे अच्छा होने की इजाजत चाहिए इस कहानी में, मोहब्बत का दुश्मन। खैरियत तो है, आपने यहां आने की जहमत क्यों की? कुछ बात करनी थी। ठीक है, बोलिए। वो औरत ऊपर माफी के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो हमारी कस्टमर नहीं है मर्द साहब, वो सिर्फ अपने दोस्तों के सामने शो मारने आई थी यहाँ, और कुछ नहीं। जानसू, ये मसला सीरियस है, कोर्ट तक बात पहुंच सकती है। यानी आपका बस चले तो आप मुझसे भीख मांगने लगे माफी मांगने के लिए? क्या तुम्हारे ऊपर तुम्हारे घर की जिम्मेदारियों का बोझ नहीं? इस तरह तुम अपने घर के अखराजात कैसे पूरे कर सकोगे? आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं मेरी? हाँ, बताएंगे मुझे? मैं माफी मांगू या ना मांगू, कोर्ट तक पहुंचू या ना पहुंचू, इससे आपको क्या? मेरे यहाँ होने से आपको क्या मिलेगा सर, बताएंगे? मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम उससे माफी मांगोगी या नहीं? नहीं मांगूंगी। मुझे अफसोस है। क्यों? क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी? क्योंकि मैं अब तुम्हें यहां नहीं देख पाऊंगा। क्या मतलब है इसका? आप मुझे निकाल रहे हैं? ऐसा ही है। आपने मुझसे सिर्फ मेरी नौकरी नहीं, मेरे ख्वाब भी छीन लिए हैं मर्द साहब। क्या वाकई तो इसीलिए खरीदी है उसके ये अंगूठी? पता नहीं। सुरैया बेगम ने आपको बताया नहीं क्या? अरे इन्हें तो सरप्राइज ही देना पसंद है। मेरी जान, क्या अपनी बड़ी मम्मा के पास जाओगी? सुरैया। विद्या बेगम, मुझे पता है मैं यहाँ नहीं आई हूँ, लेकिन क्या कल के इवेंट के लिए मैं भी कुछ कर सकती हूँ? इवेंट? इवेंट का तो पता नहीं, लेकिन दावत हम दे रहे हैं, आप थोड़ी उर्दू सीख लें तो बेहतर होगा। वो कहते हैं ना जानसू, एक आशिक ही दूसरे आशिक का हाल समझ सकता है। आप जिससे प्यार करते हो वो आपसे प्यार नहीं करता। क्या हुआ, घर जा रही हो क्या तुम? हाँ घर जा रही हूँ। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा तो रंग उड़ा हुआ है बिल्कुल। क्या मतलब है, आप मुझे निकाल रहे हैं? ऐसा ही है। आपने सिर्फ मुझसे मेरी नौकरी ही नहीं, मेरे ख्वाब भी छीन लिए हैं मर्द साहब।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, किसी ने तो सताया है तुम्हें। मुझे बताओ, मैं उसका मुंह तोड़ के रख दूंगा, बताओ। रहने दो यार, छोड़ दो। हाँ हाँ यार, छोड़ो डॉट कॉम, तुम जानती हो इस साइट के बारे में? हाँ नहीं। हद करती हो तुम भी, आजकल की सबसे कूल साइट है ये, हर तरह की बातें, स्कैंडल और झूठ मिलेंगे इस पे। ये देखो 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 देखो, ओ ये खबर देखो, एक बड़े बिजनेसमैन की गर्लफ्रेंड गोद में बच्चा लिए एक ट्रस्ट की मेंबर बन गई है। देखो क्या लिखा है, देखो बहुत बड़ी खबर है ये, लोगों की बातें तो देखो जरा। मतीन कौरान का चौथा बच्चा हो गया और मेरी चौथी कप चाय नहीं बन पाई अब तक, ये क्या क्या कह रहे हो तुम, खुद देखो जरा। कितने मजे की बातें है ना, मतीन कौरान कुरान होल्डिंग का मालिक है ये। ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, ये खबर झूठ हो ही नहीं सकती, खुद देख लो, तस्वीर तक है इसमें, ये देखो। नहीं यार, है ना, मुझे भी फनी नहीं लगा, मैं भी फेमिनिस्ट हूँ, बेचारी औरत, ऐसा कौन करता है किसी के साथ, बहुत गलत किया इसके साथ। ये पकड़ो इसे। लेकिन मैं वाकई कहाँ चली गई? क्या हुआ है जानसू को? निकाल दिया उसे। निकाल दिया? गलत बात है, मुझसे प्यार होने ही वाला था उसे। तुम रो रही हो? वो मेरी इकलौती दोस्त थी, वो मेरी लेडी बग थी। हाँ, कितनी गलत बात है, मैं किस दिन के लिए हूँ, मैं हूँ ना यहाँ, मैं तुम्हारा लेडी बग तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। इरजान, मेरा मूड नहीं है, प्लीज, मैं बहुत अपसेट हूं। खुशामदीद बेटा। आपने कुछ किया है? हाँ, कुछ भी नहीं किया मैंने। नहीं नहीं, कोई बात तो है। लेकिन तुम खफा नहीं होगे। अम्मी क्या कर रही है, मुझे अंदर तो आने दे। मुझसे वादा करो खफा नहीं होगे। अम्मी ठीक है, नहीं होगा, अंदर तो आने दे मुझे। खुशामदीद। ये कहां से आ गई? मेरे यहाँ मौजूद होने भी वो खुश हुआ या नहीं? कैसे खुश नहीं होगा, तुम्हारा सुनकर तो उसकी आंखें चमक उठी। आए, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। आयशा आंटी, मुझे ये बताएं, करीम मुझे ग्रिप से लेके जाएगा या नहीं? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूंगी, वो आ रहा है कपड़े बदल कर। आयशा आंटी, आप कितनी अच्छी हैं, आप ना होती तो मेरा क्या होता। कैसे हो करीम? ठीक। आयशा आंटी ने खाने पे बुलाया था, लेकिन मुझे वो कहने लगी असल सरप्राइज मेज पे है, अल्लाह करे तुम्हें पसंद आए। बाबा कहाँ है? गार्डन में। अरे तुम्हारे बाबा टेबल पे अंदर पहुंच गए हैं, चलो जाओ ये प्लेट अंदर रख के आओ। बाबा। हाँ आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। और दिन कैसा रहा तुम्हारा? अल्हम्दुलिल्लाह बाबा, अच्छा रहा, बैठ जाए। जरा मेरी तरफ तो देखो। मैं ठीक हूं बाबा, कोई बात नहीं, कल आपसे बात करके अच्छा लगा, मुझे जो करना था आज मैंने वही किया। तुमने जो किया वो सही था? पता नहीं, यानी
करना वही था मुझे, ये नहीं पता कि सही था कि नहीं। तुम द ग्रेट मर्थ चालहान हो, सिर्फ दो हार्ट्स भेजोगे लड़की को? देखने दो जरा। हाँ। ये क्या हो रहा है? तुम मैगजीन के कवर पर आने वाले हो क्या? आप तो बाहर गई हुई थी दादी, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। अगर नकली खांसी खांस ली हो तो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। देखो, ये तस्वीर उस दिन ली गई थी जिस दिन तुम्हारे बाबा कंपनी के डायरेक्टर बने थे। आधी आधी रात काम करता था मेरा बच्चा। और देखो, तुम इस वक्त घर पे हो। नहीं दादी, मैं एक अच्छे बॉस की तरह हूँ, सब काम पार्ट दी एम्प्लॉइज में, ताकि वो भी समझ सकें कि जिम्मेदारी क्या होती है। जानबूझ के किया मैंने ऐसा। मैथ बेटा, तुम अभी उसी उम्र में हो जिस उम्र में तुम्हारे बाबा डायरेक्टर बने थे, समझे? अच्छी बात है, है ना? दादी मैंने अच्छी बात की है या बुरी मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तुम्हारे पास एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी मैं मानती हूँ, लेकिन वो काफी नहीं। तुम्हें और मेहनत करनी होगी, वरना तुम डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। देखो, तुम्हारे बाबा एक परफेक्ट इंसान थे, मेहनती के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा करने को नहीं, मैं कर सकता हूँ। मैथ देखिएगा, मैं बन के रहूंगा, मेरी भी ऐसी फोटो होगी, मुझ पर आपको फखर होगा, वादा करता हूँ। तो ये लो। आधा फेंक दिया होता इसमें से। ये है ओलिविया की एनुअल रिपोर्ट, तुम इन सबको पढ़ोगे, हमारे अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए तुम एक बजट प्लान बनाओगे और फिर उसे बोर्ड के सामने प्रेजेंट करोगे। ठीक है? ठीक है दादी, देख लूंगा मैं ये सब। मतलब ये कि मैं कर लूंगा, ओलिविया का मालिक होने के बाद मैं खुद कर लूंगा। क्या बकवास किए जा रहे हो? लाओ जरा अपना मोबाइल दिखाओ मुझे, मैं इसमें बोर्ड मीटिंग की डेट सेट कर दूं। वाह, मेरी दादी कितनी मॉडर्न है, क्या बात है आपकी। सारे असिस्टेंट तो गए काम से, हाँ ये भी आपने सीख लिया, अब क्या होगा हमारे एम्प्लॉइज का? बदमाश कहीं का। एक मिनट, मैं बताता हूँ आपको, वो ये। मैं समझ गई, मुझे तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढनी होगी जो तुम्हें सुधार सके। हाँ, अगर आप उस कोरन साहब की बेटी की बात कर रही हैं तो उसने मेरा ईगो बहुत हर्ट किया। शहर में क्या और कोई खानदान नहीं बचा जो तुम उसको लिए बैठे हो? उनके साथ पहले ही अपने बहुत मसाइल हैं। वाह, क्या चीज है यार। सुरैया, दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है। हाथ धोती है, खोलो मरना मैं तोड़ दूंगा इसे। खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। मामा ठीक है? दरवाजा नहीं खोल रही क्या? जिद पर अड़ी है, ना दरवाजा खोल रही है ना जवाब दे रही है। हटो तुम। अम्मी जान, अम्मी प्लीज दरवाजा खोले, मैं हूं। मामा, अगर अपने बेटे को जवाब नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये मामला सीरियस है। आप किस किस्म के आदमी हैं? कैसे बाप हैं आप? तुम होश में तो हो? जिंदगी भर आपने हमसे ये नहीं पूछा कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। आपने कहा इस खानदान में पहले ही फैसले हो चुके होते हैं। आपने हमें ऐसी चीजें करने में मजबूर किया जो हम कभी नहीं करना चाहते थे। क्या आपको एहसास है कभी आपने खुद फॉलो किया? हाँ, आपका जो दिल करे वो कर सकते हैं आप।
मतीन साहब नाजायज ताल्लुकात रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जिस औरत के साथ उनके नाजायज ताल्लुकात है उससे बच्चा भी चाहते हैं वो, क्यों नहीं, कौन रोक सकता है उन्हें। चिल्लावत बाबा को इल्जाम मत दो फौरन, बाबा के पास कुछ होगी वजाहत, हाँ है ना बाबा। तो क्या बकवास कर रही हो, उन्होंने किसी और औरत से बच्चा पैदा कर लिया और उस औरत ने सबको जाके बता दिया, तुम किसकी वजाहत की बात कर रही हो। इसका मतलब मैंने सही सुना था। क्या ये सच है बाबा? चलें बताइए अपनी बेटी को, बताए ना, अब बताइए ना, आपने हमें कैसे मायूस किया है, बताइए ना। बस बात हुआ, तुम पूछोगे मुझसे, तुम होते कौन हो, तुम मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज हो, ये बात मत भूलो। वहाँ और यहाँ में कोई फर्क नहीं है, वहाँ भी मेरा ही हुक्म चलता है और यहाँ भी मेरा ही हुक्म चलेगा, हद में रहो। और तुम मैडम, तुम्हें पॉकेट मनी कौन देता है, क्या आसमान से उतर कर आते हैं तुम्हारे बैंक में पैसे? इसलिए अपनी हद में रहो और अपने बड़ों के मामले में हर किस्मत बोला करो। इस घर में कोई भी मेरे साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकता है, अच्छी तरह समझ लो तुम लोग। बाबा पुलिस को बुला ले, यहाँ इतना हंगामा हो गया और वो दरवाजा नहीं खोल रही, कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा लिया। बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद देखता हूँ। अम्मी मैं आ जाऊं? तुम नहीं। ठीक है मैं अंदर आ रहा हूँ। नहीं तुम भी नहीं, जानसू को भेजो मेरे पास। मुझे बुलाया है? दरवाजा बंद करो। अम्मी जान, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे मालूम था इस औरत का, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ तक पहुंच जाएगी। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सब आपके साथ हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ हूँ। तुम? जी हाँ अम्मी, आप जो कहेंगी मैं करूंगी, आप परेशान ना हो, बस जो मैं कहूंगी। जी हाँ ठीक है, तो वक्त पीछे पलट दो। मैं समझी नहीं, वो सब कुछ, वो औरत, वो नाजायज बच्चा, सब कुछ तुम्हारी वजह से है। क्या मतलब मेरी वजह से? तुम्हारा बाप दूसरी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखता है, तुम सबको लगता है कि हम हमेशा से ऐसे थे, तुम्हारे आने से पहले तक। अम्मी ये हकीकत है, छुपाने वाली बात नहीं। जिस दिन तुम पैदा हुई तुम्हारा बाप ये घर छोड़ के चला गया, और जब कुछ दिन बाद लौट के आया तो हम दोनों जानते थे कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। तुमने सालों मुझसे क्या कहा, अम्मी सब कुछ पैसा ही है क्या, सब कुछ दौलत चोरत ही है क्या? अम्मी 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 तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने मुझे ये कब दिया था? उस हफ्ते घर लौटने के बाद, रिश्वत के तौर पर। इसकी कहानी जानना चाहोगी? जब इशल से अफेयर का पता चला ही उस वक्त दिया, उसके बाद मुझसे माफी तक नहीं मांगी तुम्हारे पापा ने, उल्टा ये दिया मेरा मुंह बंद करने के लिए। ये सब दिया उसने मुझे रिश्वत पर, देखो इसे, ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं और इस शादी को
बरकरार रख सकूं। जब भी तुम्हारा बाप मिशेल के साथ पार्टी में जाया करता था या अचानक गायब हो जाता तो ये सारे गिफ्ट्स मेरे पास आ जाया करते थे। जानते हो क्यों? ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं और सर झुका दूं। मुझे माफ कर दे, ये मेरी वजह से हुआ। और तुमने क्या किया? मुझे वो सब पहने देख के बेइज्जत किया, हमेशा बुरा कहा और ताने दिए मुझे। लेकिन अगर तुम हमारी जिंदगी में नहीं आती तो ऐसा हरगिज नहीं होता। आपने यहाँ मुझे इल्जाम देने के लिए बुलाया है। इधर देखो, देखो मुझे, ताकि तुम्हें पता चले कि सुरैया कोरन की किस तरह से जगहसाई हो रही है। दो कौड़ी की इज्जत करती है लोगों ने मेरी, और तुम देखो कि तुम कितनी मनुष्य हो। छोड़ो, मुझे जाने दे। जानसू रुको। छोड़ दे मुझे। तुम्हें क्या कहा अमीन ने? क्या लगता है क्या कहा होगा? हाँ, बचपन से हर चीज की, हर गलती की वजह सिर्फ मैं ही बनी हूँ। और आपको क्या लगता है उन्होंने क्या कहा होगा मुझे? हाँ बताए मुझे। वो गुस्से में है, इस वक्त ऐसा नहीं कहा होगा। आप किसे बहला रहे भाई? जैसे उन्होंने पहली दफा कहा है। बचपन से ही हर चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार नहीं हूँ क्या? और क्या इसीलिए मुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजा गया? क्या इसीलिए मुझे इस घर से दूर नहीं रखा गया था? ठीक है, ये बात लंबी हो गई है, तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना, मैं बात करूंगा अम्मी से। चलो ना, खामोश रहो। रोने देना भाई मुझे। अब ख्याल आ रहा है आपको अपनी बहन का? हाँ, और उस वक्त कहाँ थे आप जब मैं लांटे खा के बड़ी हो रही थी? आप कहाँ थे जब मुझे इस घर से भेजा जा रहा था? और अब चले आप अपनी बहन की मदद करें। हाँ हाँ, ये देखे, अब इसकी भी जिम्मेदार मैं ही होंगी। और क्या, अगर ये टूटा ग्लास देख ले तो फिर किसमें खफा होंगी, किसे इल्जाम देंगी? हाँ मुझे बताएं, क्या मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हूँ? जानसू, मैं आज तक अपने मसलों में तुम्हें भूला हुआ था, मैं जानता हूँ। अब अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा, मैं वादा करता हूँ। रोना बंद करो ना प्लीज। नहीं, मैं उस बात पे नहीं रो रही हूँ, मुझे आदत हो गई है, बस किसी और बात पे रो रही हूँ। अम्मी जान, अम्मी। छोड़ो उसे, जब गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही बाहर आ जाएगी। बाबा एक मिनट रुकिएगा। बाबा आप यहाँ आए हुए हैं तो मुझे कंपनी के बारे में कुछ बात करनी है। तुम कंपनी के बारे में सोच रही हो, वो भी ऐसे वक्त में? जी बिल्कुल, ऐसे वक्त पर। आप ये सोचते हैं कि कंपनी एक मर्द चलाता है तो इसलिए आप जान को सपोर्ट करते रहते हैं। हाँ। लेकिन कंपनी की सिर्फ फिक्र मुझे ही है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बाबा आपको लगता है इशल वाला मसला कंपनी को मुतासिर नहीं करेगा? कौन सुलझाएगा ये मामला, आप या अम्मी या जान? मैं बताऊं, मैं सुलझाऊंगी बाबा, आप में से कोई नहीं सुलझा पाएगा। जान नीचे जासू के साथ गप्पे मारता रहेगा और अम्मी अंदर रोती रहेंगी, लेकिन मैं कंपनी संभाल लूंगी, मैं कंपनी की पोजीशन संभाल लूंगी बाबा। काश आप ये देख सकते। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं। चलो बताओ मुझे, क्यों रो रही हो? जलीहा बाजी की कुकीज में से एक ही कुकीज बची है। क्या खुशबू है! ये चॉकलेट कुकी है क्या? हाँ, दिखने में तो अच्छा लग रहा है और छोटी छोटी सी चॉकलेट चिप्स भी लगी हुई है इसमें। और नहीं बची क्या? देखो, लग तो यही रहा है, मैं ये खा लेता हूँ। अरे मुझे दे, मुझे दे, मैं खाऊंगी इसे, मुझे दे। एक हाथ दो, एक चलो बताओ अब।
मैंने ओलिविया में काम करना शुरू कर दिया है। क्या मतलब? चलहान ऑर्गेनिक मार्केट में? मैंने सुना था वो मैनेजर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो हाई डिग्री चाहिए होती है। नहीं, मैं वहाँ की मैनेजर नहीं हूँ। असिस्टेंट मैनेजर होगी? नहीं, वो भी नहीं। तो फिर क्या करती हो? वहाँ की सेल्स कर लूं। जानसो, तुम पागल हो क्या? तुम क्यों करती हो वहाँ पे सेल्स का काम? कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। वहाँ कोई ये नहीं जानता कि मैं कोरियन खानदान की बेटी हूँ। हाँ, लेकिन अरे सुन तो ले मेरी बात भाई, मैं वाकई बहुत खुश हूँ वहाँ। यानी वो हमारे माहौल जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही प्यारा माहौल है। वहाँ मेरे बहुत से नए दोस्त बने हैं, वो सब बहुत ही प्यारे हैं, दिल के बहुत अच्छे। एक लड़की भी है रिचा, वो तो सबसे क्यूट है। सब लोग बहुत खुश मिजाज और पॉजिटिव हैं। आप नाराज नहीं हुए? नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुमने अपनी असल जगह ढूंढ ली? या ये कहे कि ढूंढ ली थी? क्यों, हुआ क्या? एक बड़ी ही अजीब सी कस्टमर थी, उसने मुझे काम से निकलवा दिया तो नौकरी चली गई। तो तुम्हें लड़ना चाहिए था ना, वापस लेनी चाहिए अपनी नौकरी। कैसे? जरा उस कस्टमर का नाम तो बताना मुझे। बेटा, मैं सोच रही थी कि करीम ने जो जगह ली है, क्यों ना वो हम सब मिलकर देखने चलें। लेकिन अगर तुम शिरीन के साथ जाना चाहते हो तो चले जाओ, इसी बहाने वो भी देख लेगी। चले जाएंगे अम्मी, भागी थोड़ी जा रही है। चलो ठीक है। रुके रुके आयशा आंटी, आप रुके, मैं देख कर आती हूँ। शुक्रिया बेटी। हाय, कितनी सुघर बच्ची है ये। सुबह से मेरी इस बच्ची ने इतनी मदद की है, बस बता नहीं सकती। माशाल्लाह। जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम। करीम घर पर है? आप चलहान साहब हैं, यानी मर्द साहब, मर्द चलहान है ना आप? आइए आइए, मैं शिरीन हूँ। मैं जान सकता हूँ आप कौन है? मैं करीम की दोस्त हूँ, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड। उसकी गर्लफ्रेंड है? जी हाँ। आइए आइए, वो गार्डन में। जरूर, खुशी भी मिल गई। मुझे भी। हेलो उस्कान फैमिली। खुश आमदीद बेटा। यहाँ कैसे आना हुआ? अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं फिर नहीं आऊंगा यलमाज़। ठीक है, बैठो। इधर बैठो बेटा। हाँ, सब खैरियत तो है? हाँ। मैं तुम्हारे लिए मीठा लेके आती हूँ। ठीक है। गलत बात है भाई, तुमने मुझे शिरीन से नहीं मिलवाया। यार कभी मौका नहीं मिला, तुम क्यों आए हो? यूं ही बस तुमसे मिलने आ गया। ओह, मुझे बेवकूफ बना रहे हो, ये क्या है? देखें इसे, मैंने सोचा थोड़ी गपशप कर लेंगे, काम की बात भी हो जाएगी, इसमें बुरा क्या है? आप यहाँ मेहमान आई हुई हैं? अरे नहीं, मैं मेहमान थोड़ी हूँ अंकल। अभी तो हमें कैरम भी खेलना है ना यलमाज अंकल? करीम, तुम अपने मेहमानों का ख्याल रखो, हमारी फिक्र ना करो। चलते हैं फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई क्या बात है, उस लड़की को छोड़ के आने से तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया? पसंद आई तुम्हें शिरीन? हाँ, अपने नाम की तरह ही प्यारी है। उफ, मजाक न करो यार, इस बार तुम सीरियस हो। अच्छी लड़की है, क्यों नहीं सीरियस होगा? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया शिरीन के बारे में? हाँ, ये सब कब हुआ? कब हुई तुम्हें मोहब्बत उससे? मुझे मोहब्बत नहीं है, पर मेरा मतलब एक ना एक दिन मुझे भी तो अपना घर बसाना ही होगा। अल्लाह अल्लाह, ऐसी अजीब सी शक्ल बना के क्यों अपने रिलेशन के बारे में बता रहे हो? अगर तुम्हारे नीचे सबटाइटल लिखे होते तो लिखा होता कि ये एक महीने की मेहमान है। इस बात का शिरीन से क्या ताल्लुक? काम की वजह से आज जानसू वाला वाकया हुआ ना? हाँ, बड़ी अजीब बात है, आधी रात में भी तुम्हारे दिमाग में जानसू चल रही है। काम की वजह से यार? मैं बता रहा हूँ, हाथ मत उठाओ वरना भाभी को बता दूंगा। धमकी दे रहे हो? जाओ, जिसे चाहे बता दो, मेरा जानसू से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो,
भाभी पागल हो गया भाभी। अरे यार चुप कर भाभी। चुप भी हो जाओ। जानसू आई एम सॉरी। किस लिए? मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था। लेकिन जाने दिया। मैं पछता रहा हूं जानसू, मेरा हाल देखो। क्या वाकई में? मैं तड़प रहा हूं, क्या तुम मेरा हाथ थामोगी? खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मेरे दिमाग से मतलब मैं सही टाइम पे आ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तुम्हारे लिए ही बनाया है। तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? या अल्लाह, टैक्सी बुलाऊं, डॉक्टर के पास ले चलूं तुम्हें? मेरे लिए प्लेट तैयार की है, मतलब मामला संजीदा है। इरजान चुपचाप नाश्ता कर लो, वैसे भी बहुत काम है। जानसू के जाने का मुझे भी अफसोस है। आखिर इतने दिनों बाद एक खूबसूरत लड़की आई थी, अभी तो मुझे उसके साथ फिल्म देखने भी जाना था। मैं उस पर लाइन मारता और वो मुझे डांटती, लेकिन उसे मुझसे प्यार हो जाता। आए, मुझे नहीं खाना। वाकई? क्या हो जाता अगर माफी मांग लेती वो? क्या नाक कट जाती उसकी? हाँ? जाते वक्त मुझे उसने बाय तक नहीं किया। तुम नहीं खा रही तो ये ले लूं मैं? खाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। रिजा, शक्ल भी नहीं देखोगी मेरी? तुमसे कह रहे? ठीक है, गया क्या? गए। ठीक है मैडम, आप वेट करें, मैं अभी आई। मैथ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल जिस कस्टमर ने शिकायत की थी वो आई हैं। वो खातून आपसे मिलना चाहती हैं। अब क्या चाहिए उन्हें? पता नहीं, अंदर आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है, शुक्रिया। शायमा मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
जिस लड़की के साथ आपका झगड़ा हुआ था, हमने उसे काम से निकाल दिया। आपको यकीनन पता चल गया होगा। जी हाँ, पता लग गया था मुझे। अच्छा, अगर हम आपके लिए कुछ और भी कर सकते हैं तो आप हमें बता सकती हैं। इसीलिए तो आई हूँ। जैसे कि उस लड़की को दोबारा हायर कर लें, मिस्टर मर्ट। क्या मतलब? देखे, मैं एक बहुत हसास इंसान हूँ। मुझे कल पूरी रात नींद नहीं आई, मैं इस बारे में ही सोचती रही। अच्छा नहीं किया मैंने उसके साथ, मुझे अफसोस है। प्लीज उसे वापस रख लें। शायमा मैडम माफ कीजिएगा, लेकिन मेरा ये पूछना जरूरी है कि आखिर आपके बदलाव के पीछे वजह क्या है। मेरा पछतावा मिस्टर मैट, मेरी वजह से उस बेचारी लड़की की जॉब चली गई। प्लीज उस लड़की को वापस रख लें। उम्मीद है आपको कोई मसला नहीं होगा। नहीं, मुझे क्या मसला हो सकता है। खैर, अगर आप ऐसा ही चाहती हैं तो ठीक है फिर। बहुत शुक्रिया आपका। कल जो एम्प्लॉय निकाली गई थी, क्या आप उन्हें कांटेक्ट कर सकती हैं? आपका जूस। शुक्रिया। आपको कुछ और चाहिए? नहीं, नो थैंक्स। हेलो जानसू, मैं बात कर रहा हूँ। मर्ट साहब, कैसे हैं? मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है। कल कब डांटा था ना इसलिए सोचा होगा अभी फोन करके डांट देता हूँ। जानता हूँ तकलीफ होती है नौकरी जाने से। मतलब? मेरा मतलब यकीनन तुम दुखी होगी। जैसे आपको बड़ी परवाह है। जानसू, क्या तुम अभी आ सकती हो यहाँ? ओलिविया, अभी? हाँ, बहुत जरूरी बात है, मैं वेट कर रहा हूँ। चले फिर आ जाती हूँ, अगर इतना ज्यादा जरूरी काम है तो। See you. ओहो, मैं कितनी अच्छी लग रही हूं, माशाल्लाह। हेलो, आपके पास हॉलैंड वाली चीज़ है? ठीक है, मुझे उनमें से हर तरह की चाहिए। और आपके यहाँ ऑलिव्स भी हैं? सबसे अच्छा और सबसे महंगा वाला? जी, वही वाला, सब मेरे लिए भेज दें। मेरी गुड़िया, अब तो कुछ भी राज बाकी नहीं रहा। अगर हम आज जश्न नहीं मनाएंगे तो फिर कब मनाएंगे? खुशामदीद। मेरा ख्याल है कि आप मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं। देखो जानसू, कल जो कुछ हुआ मैं तुमसे उसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरा यकीन करो, मैं कल रात से सोई नहीं, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। ये मजाक है क्या? ये मजाक नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। रात भर मुझे बहुत पछतावा हुआ है, मेरी माफी कबूल करो। ठीक है। हाँ, बहुत खूब, अब ये मामला यही खत्म होता है। मैट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। चले, अब मैं चलती हूँ। तुम कर क्या रही हो? हाँ, पागल हो गई हो क्या? मैंने कुछ गलत नहीं किया डार्लिंग। तुम्हें पता भी है तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है? सुरैया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, ना ही मुझे अंदर आने दे रही है और ना ही खुद बाहर आ रही। वो बच्चों को भी बता दिया होगा उसने, वो भी अपनी अम्मी का ही साथ दे रहे हैं। मेरे खिलाफ जा रहे हैं वो, यानी अपने ही बाप के खिलाफ। कंपनी में भी कुछ सही नहीं चल रहा, सब कुछ इंटरनेट पर आ गया है। मेरे सारे इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हाय मेरी जान, परेशान ना हो, सुरैया का हाल इतना खराब है। मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया और तुम सुरैया का पूछ रही हो?
उससे दूर रहने को कहा था, किसी भी हाल में उससे मिलने से मना किया था। तुम मुझे गलत समझ रहे हो डार्लिंग। तो तुम बच्चे को लेकर उस वक्त वहाँ क्यों गई थी? काम क्या था तुम्हारा वहाँ? बस बहुत हो गया, हम कितने सालों से साथ हैं? तुम बताओ कितने साल हो गए हैं? इससे उस बात का क्या ताल्लुक है? तुमने इंतजार करने को कहा, मैंने किया। जब हमारा बच्चा हुआ तब भी तुमने कहा अभी नहीं, मैंने फिर इंतजार किया। लेकिन हमारी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है मदीन, मैं भी तो करती हूँ तुम्हारा इंतजार। देखो ये तुम्हारा सोफा है, तुम हमेशा उस पे आके बैठते हो, इसलिए मैं आलिया को भी उस पे नहीं लिटाती। इससे मुझे दुख नहीं खुशी होती है, चाहे किसी को ना पता चले। लेकिन इस घर के सरबरा तुम ही हो मतीन, सही कह रही हूँ ना मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम तुम्हारी फैमिली नहीं? अरे मैंने ऐसा कब कहा है तुमसे? तुम मेरी तरह आलिया को मत परेशानियां झेलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे जाने या ना जाने, लेकिन ये बच्ची मतीन कुरहान की बेटी की तरह बड़ी होनी चाहिए। क्या मैं ज्यादा मांग रही हूँ? नहीं। तो इधर आओ। आओ ना।